सीमा बात की है आपसे। करें बातचीत में कैसी लगी है आपको? बढ़िया। हाँ बढ़िया लगे सारे दोस्तों। अभी हम रबुपुरा में मौजूद हैं और हमारे साथ सचिन के दादाजी मौजूद हैं। आप जानते हैं कि सीमा को सचिन जो है वह अपने घर पे रखा हुआ है और वो पाकिस्तान से चल करके आई है। शादी भी हो चुकी है, 4 बच्चे हैं, दादाजी हैं उनके, और ये लगभग 98 साल के हो चुके हैं। अब आज़ादी की लड़ाई भी लड़े हुए हैं क्या? हाँ। अच्छा जी, और ये कहेंगे कि आपके घर में बहू आई है और पाकिस्तान से आई है वो भी, तो खुश हैं क्या है? हाँ खुश हैं हम, खूब खुश हैं। सगरो गाँव ही खुश हो और पास के गाँव खुश हैं, सभी खुश हैं, कौन सो दुखी है। सभी लोग खुश हैं, लेकिन जांच एजेंसियां भी अपनी काम कर रही है और इन पे जांच भी हो रही है, तो आपको क्या लगता है? अब इन बात हमने तो हम ना जाने इन बात हमने, क्यों कर रही है, कैसे भाग रही है। वो पाकिस्तान से जब आई है ना, तो पाकिस्तान से आने के बाद इंडिया में, आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का किस प्रकार से है ना, आपने तो लड़ाई लड़ी है युद्ध, तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से दोनों की दुश्मनी चलती है, इंडिया पाकिस्तान की। तो वहाँ से जब आती है तो जाँच तो होनी चाहिए ना कि क्या गलत है क्या सही है। सही बात है, है ना? सही बात है जी जी। तो आप जाँच के खिलाफ नहीं है ना? तो चाहते हैं कि जाँच अच्छी तरीके से हो, है ना? 4 बच्चे हैं, वो सारे बच्चे घर में ही रह रहे हैं, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है, बहुत खूबसूरत प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना जी। तो आपका कितने पोता है? सचिन का भाई कितना है? एक भाई है या दो भाई है? तीन। सचिन तीन भाई है। सचिन क्या करता है? नौकरी करे, दुकान पे दुकान चलाता है। तो बाकी आपको कोई शिकायत नहीं है अपने बहू से? हाँ है, कोई शिकायत नहीं है। एक मिनट। तो ये सचिन के दादाजी हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं बहू के आने से। पाकिस्तान की बहू है, पाकिस्तान की लड़की इंडिया में आकर के बहू बनी हुई है और ये लगातार मीडिया में बनी हुई है। तो आपको नहीं लगता है कि वो एजेंट हो सकती हैं या कोई ख़तरा हो सकता है देश के लिए? आपको कुछ नहीं लग रहा है? ना जी, हमें तो कुछ ना लग। आपसे बातचीत की है वो? कौन? सीमा बात की है आपसे? करें। तो बातचीत में कैसी लगी हैं आपको? बढ़िया। हाँ बढ़िया लगी है, सारी बातें अच्छी से कर रही है, खुल करके बोल रही है। हाँ बढ़िया कर रही है। और कुछ कहना चाहेंगे? बस और कुछ नहीं, हम तो जंगल जा रहे हैं, हम खुश हैं। हमारे घर ही जो झगड़ों बन्नो है, आज 9 दिन है, ना रोटी करन दें ना खान दें। और तेरी अंधा धम तो भगे है बेटी, क्यों लग इतना लग गए? तुम मेरे ससुर है, चल बैठ जा, देख के चला। जंप मारा है ना, चल बैठ जा। हाँ तो दादाजी आप बता रहे थे कि 9 दिन से परेशान हो गए हैं आप मीडिया के आने से। हाँ बहुत बुरी हालत है रही, हमारी रोटी तक भी ना मिले हमें जी। हाँ हर दम तो खाना अभी बना रही हैं सीमा या नहीं बना रही? अभी कहाँ बना रही हैं? पता चला कब? पता चला कि वाल लौंडा जाने हो या वो जाने, हमें कोई पता ना। आपको उससे मतलब नहीं है? बताओ हमें कहाँ बताओ, वो जाने वो जाने। हाँ। कैसे कैसे ना है? आपने आशीर्वाद दे दिया है ना? हाँ हाँ, तो आशीर्वाद दे दिया है, काफ़ी है। दोस्तों ये दादाजी थे और ये फिलहाल जो है वह बिजी है, कहीं जा रहे हैं, और लगातार चूंकि मीडिया यहाँ आ रही है और इन लोगों का हमेशा इंटरव्यू बाइट ले रही है, यही वजह है कि ये लोग परेशान भी हो गए हैं, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। मैंने सीमा से भी बात किया है, वो इंटरव्यू आप ज़रूर देखिएगा, लेकिन उनसे भी बात हुई है लेकिन बहुत कम देर हुई है, 3 मिनट की है, और वो उसमें बहुत सारी चीज़ों का खुलासा उन्होंने किया है, जो डाउट है जो हिंदुस्तान के लोग सोच रहे हैं उस पर भी बात
उस पर भी मैंने सवाल किया है। आपको बता देते हैं कि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यही सचिन का घर है, और सचिन जो है वह दो भाई है ऐसा बताया जा रहा है, और उनके पिताजी है उनसे भी मैंने बात किया है, उनके अंकल जी है उनसे भी मैंने बात किया है, और मैंने ये जानने का प्रयास किया है कि आखिर ये लोग कितना खुश है, और जो बातें सवाल इन पर किया जा रहा है लगातार उठाई जा रही है उससे रिलेटेड भी मैंने सवाल किया है। फिलहाल मैं रबूपुरा में हूँ, और ये मोहल्ले देखिए, ये मोहल्ला किस प्रकार का है, यही मोहल्ला है, और ये सारे मोहल्ले के लोग जो हैं वह इनका साथ दे रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सभी मोहल्ले वाले जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एकता है यहाँ पर, और ये चीज़ बहुत ही अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? लोकेश। लोकेश, आप कौन है? सचिन के भाई, भाई। अपना भाई है? सगा भाई है। आप क्या करते हैं? बल्लभगढ़ में जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। अच्छा, आप बड़े हैं कि छोटे हैं? बड़ा। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। कितने बच्चे हैं? एक ही लड़की है। एक लड़की है। अच्छा, तो आप कितना खुश हैं, आपके छोटे भाई ने शादी कर लिया है, तो उसके बहुत बारे में भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ, और पूरा घर खुश है। हाँ। पूरा मोहल्ला भी, पूरा मोहल्ला खुश है, अब पूरी बिरादरी खुश है। खुशी एक अलग जगह पर है, लेकिन जांच एजेंसी अभी अपनी काम कर रही है उस पे क्या क्या जांच जो कर रही है वो करण देव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? खूब होनी चाहिए, खूब जांच हो तो अभी ले जाओ। मतलब आप जो है वो चाहते हैं कि इसको क्लीन चिट मिल जाए, है ना? हाँ, पुलिस के द्वारा, ताकि जो गति, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में किस प्रकार से दोनों में वैर है, है ना? और जब पाकिस्तान की बात आती है तो कोई भी एजेंसियाँ जो है वह एक्टिव हो जाती है, इस पर क्या कहेंगे आप? तो ये दोस्तों भाई थे, बड़े भाई थे, इनकी भी शादी हो चुकी है, और आपको फिर से दिखा देते हैं, यही इनका घर है, छोटा सा घर है, कोई बड़ा घर नहीं है, लेकिन इसी में दो भाई रहते हैं, और अब तो दोनों की शादी हो चुकी है, एक पाकिस्तान की जो सीमा है उनकी, और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं उससे संबंधित, हम जानकारी यहाँ जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार हम यहाँ पर बने हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद।